सरकार की लाख कोशिशों के बाद भी महिलाओं पर अत्याचार कम नहीं हो रहा है। गुमला में एक युवती ने रेहान अजीम नाम के युवक पर प्रेम जाल में फंसाकर यौन शोषण का आरोप लगाया है। इंसाफ की गुहार लगाते पीड़िता एसपी अंजनी कुमार झा के पास पहुंची। रोती बिलखती पीड़िता ने अपने साथ हुई दरिंदगी को बयां किया कि कैसे उसके साथ प्रेम प्रसंग के नाम पर धोखा हुआ है और किस तरह वो रेहान अजीम नाम के युवक से अपनी जान बचाती हुई पुलिस के पास पहुंची। रोती हुई पीड़िता ने कहा कि आरोपी अजीम ने उसे अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा लिया और जब वो उसके साथ शादी करने के लिए घर से भाग निकली तो उसके हैवान चेहरा देख मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आरोपी उसके साथ शादी का झांसा देकर 1.5 साल तक यौन शोषण करता रहा। इतना ही नहीं, आरोपी ने उसका 2 बार गर्भपात भी कराया। प्रताड़ना को सहने की हद तो तब हुई जब आरोपी उसके साथ रोज मारपीट करने लगा और अपने साथ हुई आपबीती किसी को बताने पर उसे जान से मारने की धमकी देने लगा। हालातों से हारी पीड़िता ने एक दिन हिम्मत दिखाई और आरोपी से घर से किसी तरह भाग निकली। मिला में सर मिला था मेरे से एक दो बार। हाँ। अजीम नाम है, अभी तो पहले राजू नाम बताया था, हम हिंदू है करके। फिर मेरे को नंबर दिया और नंबर लिया, वो हमसे बात करने लगा धीरे धीरे। फिर बात करते करते, कब की बात है, कब मिला था आपसे? 2011-12 में। हाँ। फिर 12 में बात करने लगे, फिर फोन में ही कॉन्टेक्ट रहा वैसे 3-4 साल, बीच बीच में आता जाता था सर। फिर बाद में हमको बुला लिया यहाँ पे गुमला में रहने के लिए रामनगर में। फिर वहाँ रामनगर में हम थे अगस्त में, 13 अगस्त से थे सर वहाँ पे। 13 अगस्त से यही नवंबर तक फिर हम घर चल गए थे। फिर घर गए, फिर वापस आना चाहे तो नहीं आने बोला कि नहीं आओ। फिर हम वहाँ से चल दिए थे पंजाब काम करने के लिए, तो वहाँ गया था। फिर मेरे को लेके आए, बोला कि नहीं चलो शादी करूँगा ये करूँगा बोल के मेरे को बहलाया फुसलाया। फिर लेके आया, फिर रखा था ये आज़ाद बस्ती में। फिर बोला कि नहीं, हम बोले कि यहाँ क्यों रखे हैं ये बस्ती मुसलमान बस्ती में, तो नहीं हम मुसलमान हैं ऐसे बोल के। फिर वही रखा था मार्केट करता था। तो कब पता चला आपके आप मुसलमान है? ये अगस्त में। हाँ, फिर क्या बोलने लगा आपको? अगस्त में बोलने लगा कि नहीं उनको जो भी करना है करो, मेरे खिलाफ कोई कुछ नहीं कर सकता। ये शादी करने के लिए बोला? शादी करने के लिए नहीं बोला, धमकी दे मारपीट 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 जी मारपीट करता था। और क्या बोलता था? आप लोग का कोई, आप लोग पति पत्नी के रूप में रहते थे? जी साथ में रहते थे। हाँ। कोई बाल बच्चा आप लोग? जी 2 बार मेरे साथ वो खराब करवाए। हाँ। और अब क्या बोलता है? नहीं रखूंगा बोलता है, धमकी देता है। हाँ। क्या नाम है उसका? घर वालों को भी जान से मारने का धमकी। क्या बोलता, क्या नाम है उसका? अजीम अंसारी है, राजू नाम बताया था, ये पता नहीं था रेहान नाम यहाँ आने के बाद में बताया। हाँ। आजाद बस्ती में। हाँ। असली नाम क्या है उसका? असली नाम अजीम अंसारी। अजीम अंसारी। पीड़िता के कहने पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस भी पीड़िता को हर तरफ से मदद करने का आश्वासन दे रही है। दोनों में लव अफेयर था, लव अफेयर के दौरान जो है वो लड़की अपने घर से भाग करके इसके साथ रहने लगी गुमला में, और गुमला में डेरा लेकर रह रही थी। और बीते कल उसको मारा पीटा, वो भाग करके थाना में आई, संबंध में दिया कि जो है शादी का प्रलोभन देने मेरे साथ यौन शोषण किया है, संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गई है, अभी उनको गिरफ्तार की जाएगी। लड़की कहाँ की रहने वाली? लड़की जसपुर की रहने वाली है, छत्तीसगढ़। और लड़का का नाम सर कोई मुस्लिम लड़का बताइए? हाँ, मुस्लिम, पहले मुस्लिम नाम है, उसके बाद उसमें राजा रखे हुआ था, मतलब गलत नामों से इसको फंसाई गई। हाँ, तो उठ नाम राजा था और इतना दिन से रह रही थी, तो निश्चित रूप से उसको पता चल ही गया होगा, लेकिन कल उसको मारा पीटा है तो वो
भाग करके आकर थाना में केस रिपोर्ट किया, केस दर्ज की गई है, अभी उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। धर्म परिवर्तन का भी कुछ प्रेशर लगा? धर्म परिवर्तन वैसा ढंग से तो प्रज्ञान नहीं दी है, हिंदू पर भी हम लोग देखेंगे, जाँच की जाएगी। फिलहाल पीड़ित युवती को मेडिकल जांच के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है और पुलिस इस मामले में गंभीरता से जांच में जुटी हुई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए गुमला से मुकेश कुमार की रिपोर्ट।